हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुनीता किचन। आज हम बनाने वाले हैं ओरियो केक बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके लिए यहाँ हमने ओरियो लिया है, वो आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। केक बनाने के लिए यहाँ हमने 4 पैकेट ओरियो के बिस्किट लिए हैं, 1 कप दूध, मैदा, बटर, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। अब हम लोगों को ओरियो के बिस्किट को ग्राइंड कर लेना है। ओरियो बिस्किट के क्रीम को नहीं निकालना है, उसको एक क्रीम के साथ ही उसको ग्राइंड कर लेंगे हम लोग। एक चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें दूध मिक्स करेंगे। दूध एक बार में सब नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। केक के कंसिस्टेंसी को सेमी कंसिस्टेंसी रखना है, केक के बैटर को। इसको धीरे धीरे मिक्स करें, इसमें लम्स ना आए, इसलिए इसको हम लोग धीरे धीरे मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है। इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। ये देखिए, इसका कंसिस्टेंसी सेमी थिक हो चुका है। केक को बेक करने के लिए हम लोग कुकर को प्रीहीट करेंगे। इसको 10 मिनट तक प्रीहीट करना है। इसमें हम लोग केक के कुकर के बेस में नमक डालेंगे। इसको अच्छे से लेवल कर ले। अब हम इसमें स्टैंड रखेंगे जो कि आपके केक मोल्ड को होल्ड करेगा, उसके बेस को जलने से बचाता है, केक के बेस को। कुकर के ढक्कन को बिना सीटी और बिना रबड़ के लगा देना है। ये देखिए, हमारा केक मोल्ड तैयार है। इसमें हम लोग को एक थिन लेयर लगाना है बटर का। अब हम इसमें मैदा डालेंगे जो कि ये चिपक के केक के बैटर को चिपकने नहीं देता है। ये इसको अच्छे से लगा देना है। एक्स्ट्रा मैदा को हम लोग को निकाल देना है। अब इसमें केक के बैटर को डालेंगे। कुकर मेरा प्रीहीट हो चुका है 10 मिनट तक। ये बहुत ही गर्म होता है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से केक के मोल्ड को रखना है इसमें। केक को बेक करने के लिए आपको 30 मिनट्स लगेंगे। अब कुकर को बिना रबड़ और बिना सीटी के ढक देना है। केक को अब हम लोग 30 मिनट्स तक बेक करेंगे। फ्लेम आपको मीडियम पे रखना है। अब हम लोग केक को खोलने वाले हैं। 30 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए, केक रेडी हो गया। ये देखिए, केक रेडी हो गया है। आप इसको चाहे तो चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।